वेलकम टू अश्वमेध विद्यालय. विल कंटिन्यू अवर चैप्टर नंबर 18, कंज्यूमर प्राइस राइज एंड कंज्यूमर अवेयरनेस. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन एट द इंटरनेशनल लेवल. नेशनल लेवल जो ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती है उसके बारे में हम लोग ने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस किया था. आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे जो फूड सिक्योरिटी और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ये सब के लिए जो वर्कआउट करती है तो उसके बारे में आज हम लोगों को स्टडी करना है. हियर वी हैव टू बी नोटिस दैट कि गवर्नमेंट जो है वो फूड या कोई भी ऐसी प्रिजर्वेड प्रोडक्ट है उसके लिए क्वालिटी, स्टैंडर्ड क्वालिटी, प्राइस, ये सब के लिए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है अवेयरनेस मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों जो है वो एक्सप्लोइटेशन से बचे, इसके लिए ये सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो वर्क करती है. सो लेट्स डिस्कस अबाउट इट. टू ऑर्गेनाइजेशन आर वर्किंग एट द इंटरनेशनल लेवल फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट. प्रोडक्ट को स्टैंडर्डाइज करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे दो प्रोडक्ट वर्क करती है. तो ये जो दो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रोडक्ट के स्टैंडर्डाइज के लिए वर्क करती है, जिसके अंदर फर्स्ट वन है ISO. आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन. इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, इट्स हेडक्वार्टर इज इन जिनेवा. इसका जो हेडक्वार्टर ऑफिस है वो कहाँ पे है? जिनेवा कंट्री में. इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1947 में ये एस्टेब्लिश हुआ था. इट मेन फंक्शन इज टू प्रोवाइड अ सर्टिफिकेशन ऑफ स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स. इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग में जो सर्टिफिकेट्स है वो प्रोवाइड करने का काम ये करती है. फॉर एग्जाम्पल, सीरीज ऑफ ISO 14000 इज गिवन फॉर एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच इज सर्टिफिकेट टू सर्टिफिकेट ऑफ ऑफिसर्स एंड इंस्टीट्यूशंस हैविंग अ हाई क्वालिटी. जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया है ISO 14000, तो ये जो है वो एनवायरमेंट मैनेजमेंट के लिए जो है एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए जो कार्यरत वर्किंग जो कमिटी है या ऑफिसर्स है, इंस्टीट्यूशंस है, उन लोगों की हाई क्वालिटी के लिए ये सर्टिफिकेट्स जो है दिए जाते हैं. उसके बाद नेक्स्ट जो ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग करती है दैट इज कॉडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन, यानी के CAC. वापस कॉडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन, जो ये जो ऑर्गेनाइज है वो एडिबल प्रोडक्ट के लिए सेटअप किया गया है. जो एडिबल प्रोडक्ट हम लोग मार्केट के अंदर खाने युक्त जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी को स्टैंडर्डाइज करने के लिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो वर्क करती है. जिसमें दिस ऑर्गेनाइजेशन वॉज सेट अप टू सर्टिफाई एडिबल प्रोडक्ट्स. इट इज एन इंटरनेशनल कमीशन. कमीशन फॉर फूड, ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो फूड डिपार्टमेंट के लिए वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन संस्था है. इन 1963 फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO एस्टेब्लिश्ड इट. ये दोनों ने मिलके ये CAC का जो एस्टेब्लिशमेंट किया है. इट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन रोम. रोम सिटी में ये हेडक्वार्टर है, कैपिटल ऑफ इटली. इट्स मेन फंक्शन इज टू डेवलप फूड स्टैंडर्ड गाइडलाइंस एंड कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर प्रोडक्शन एंड इंटरनेशनल ट्रेड इन फूड प्रोडक्ट्स लाइक मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट्स, मीट, फिश एक्सेट्रा. ये सारी चीज़ों जो है जो खाने फूड प्रोडक्ट है उसके स्टैंडर्डाइज के लिए, उसको डेवलप करने के लिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो वर्क करती है. इसका मेन फंक्शन ये है कि ये सारी प्रोडक्ट्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा स्टैंडर्डाइज हो. द जॉब वर्क ऑफ कंटेनिंग ISO इज डन बाय BIS इन इंडिया. इसका जो जॉब वर्क है वो ISO है,
जो BIS के साथ, यानी इंडिया में जो हम लोगों को BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो वर्किंग करती है उसके साथ जुड़ी हुई है। वाइल डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस कॉन्टैक्ट द CAC, जो हेल्थ सर्विस डिपार्टमेंट है वो CAC यानी कॉडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन से जुड़े हुए हैं। यानी ISO जो है, जैसे कि ISO कनेक्टिंग विथ BIS, उसी तरह जो डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विस है जो CAC के साथ जुड़ी हुई है। तो इस तरह जो है इंटरनेशनल लेवल पे ये दो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वर्क करती है। अभी हम लोगों ने पूरे लेसन के अंदर जैसे प्राइस राइज के बाद कंज्यूमर अवेयरनेस देखा, या कंज्यूमर फॉर्म्स ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन, उसके बाद उसकी राइट्स, ड्यूटी, ये सारी चीज़ें, यानी कि कंज्यूमर को प्रोटेक्शन करने के लिए पूरे लेसन के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया। तो ये जो कंज्यूमर है, अगर मानो कि एक्सप्लॉयट होता है तो वो कैसे फाइल कर सकता है, कंप्लेन कर सकता है, और कौन कर सकता है, तो उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हु कैन फाइल अ कंप्लेन एंड हाउ, जो भी एक्सप्लॉयड पर्सन है कंज्यूमर, तो वो कैसे कंप्लेन फाइल कर सकता है और कैसे। कंज्यूमर हिमसेल्फ वो खुद फाइल कर सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरीज, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरीज जो है वो फाइल कंप्लेन कर सकते हैं। कंज्यूमर सोसाइटी और कंपनी लॉ और अदर प्रिवेलिंग लॉज, कंज्यूमर सोसाइटी जो हम लोगों ने आगे देखे थे कि लोग साथ में मिलके जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन की जो रचना करते हैं वो, और जो अदर लॉज जो कंपनी के द्वारा इम्प्लीमेंट किए गए हैं उसके द्वारा, रिस्पेक्टिव कंज्यूमर ऑन बिहाफ ऑफ कंज्यूमर्स ऑन द मैटर इन विच इट इज इन इंटरेस्ट ऑफ ऑल कंज्यूमर। कोई भी रिस्पेक्टिव कंज्यूमर बिहाफ ऑफ कंज्यूमर, यानी कि जो कंज्यूमर एक्सप्लॉइट हुआ है उसके बिहाफ में कोई भी रिप्रेजेंटेटिव, उसका रिप्रेजेंटेटिव जो है वो, और जो दूसरे कंज्यूमर के इंटरेस्ट के लिए, यानी कि दूसरे कंज्यूमर के साथ ये चीज़ ना हो, ये इंटरेस्ट दिखाने के लिए कोई भी रिस्पेक्टिव सॉरी रिप्रेजेंटेटिव कंज्यूमर जो है वो फाइल कंप्लेन कर सकता है। इसके अलावा एनी मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ अ पर्सन हु हैज परचेस्ड द प्रोडक्ट और सर्विस विथ हिज परमिशन में फाइल अ केस इफ देयर इज शॉर्टेज ऑफ मटेरियल और सर्विस और मेनी और मे लॉज अ कंप्लेन अगेंस्ट लॉस। कोई भी मेंबर फैमिली का जिसने कि ये चीज परचेस किए है द परमिशन में फाइल परचेस द प्रोडक्ट या सर्विस जो परमिट की है, उसको अगर वो जो मटेरियल है सर्विस है उसके अंदर शॉर्टेज दिखे या फिर लॉगिंग के अंदर, तो उसके लिए वो जो लॉस है उसके लिए कम जो लॉस उसको हुआ है उसके लिए जो है वो फाइल कंप्लेन जो है वो फाइल करवा सकता है। तो इस तरह जो है इतने सारे लोग जो है एज अ कंज्यूमर टू बी इंटरेस्ट टू ऑल अदर कंज्यूमर, दूसरे कंज्यूमर के इंटरेस्ट के लिए वो लोग जो है कंप्लेन फाइल करवा सकते हैं। इफ द प्रोड्यूसर और ट्रेडर नाइदर फाइंड सॉल्यूशन नॉर शो अ प्रिपेयर्डनेस टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ ट्रू करेक्ट एंड क्लियर द कंटेंट, इन दैट केस कंज्यूमर और हिज फैमिली मेंबर में फाइल अ केस इन लोकल डिस्ट्रिक्ट फोरम। जो प्रोड्यूसर और ट्रेडर जो है उसको वो चीज़ का या उसके कंप्लेन क्या पता चलने के बाद उसका जो सॉल्यूशन है या उसका वो प्रिपेयर नहीं बताता है कि भाई इसका जो सॉल्यूशन है वो करेक्ट है या क्लियर कंप्लेन जो भी की है उसको क्लियर नहीं करता है, तो उसके अगेंस्ट में जो कंज्यूमर है या उसके फैमिली मेंबर्स जो है वो लोकल डिस्ट्रिक्ट फोरम में जो केस है वो फाइल करवा सकते हैं। स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन में भी करवा सकते हैं। दे मे कंप्लेन इन सप्लाई कोर्ट, ऑफिस ऑफ मेट्रोलॉजी एंड कंज्यूमर कोर्ट, कंज्यूमर सोसाइटी, कलेक्टर ऑफ फाइल्स। तो इस तरह जो है ये सारे प्लेसेस पे जो है कंज्यूमर अपनी फाइल जो कंप्लेन जो है वो फाइल करवा सकता है। द कंज्यूमर कैन फाइल अ कंप्लेन इफ द आइटम और सर्विस इज फॉल्टी और डेफिशिएंट और इज इट
not in accordance with the agreement or prevalent law, thus consumer may file a case against deficiency in a quality, a type and purity of goods, less weight, etc. जो भी कंज्यूमर जो है वो अपना केस फाइल करवा सकता है, कंप्लेन जो है वो फाइल करवा सकता है उसके लिए, अगर जो भी आइटम और सर्विस जो है वो फॉल्ट वाली हो, डेफिशिएंट हो, यानी जिसकी प्योरिटी में जो है मिलावट हो, और एग्रीमेंट और प्रिवेलेंट लॉ के हिसाब से वो चीज़ नहीं हो, तो उसके लिए कंज्यूमर जो है वो क्वालिटी, टाइप्स और प्रायोरिटी ऑफ गुड, ये सारी चीज़ के लिए वो केस फाइल करवा सकता, कंप्लेन फाइल करवा सकता है। चलो अभी नेक्स्ट जो है, हाउ टू फाइल, कैसे फाइल करेंगे ये कंप्लेन, तो उसके लिए अ विक्टिम में फाइल अ कंप्लेन इन सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज, आइदर टाइप और हैंड राइटिंग और दो ईमेल। लैंग्वेज जो है क्लियर होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, हैंड राइटिंग से लिखे हुए ईमेल के द्वारा भी भेज सकते हैं। इफ द विक्टिम गोज टू कोर्ट दो अ लॉयर, देन ही नीडेड एफिडेविट। अगर मानो कि हम लोग कोई लॉयर करते हैं तो लॉयर के द्वारा एफिडेविट किया हुआ होना चाहिए। नेम ऑफ एप्लीकेंट, एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर शुड बी मैन देयर इन एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ जो है एप्लीकेशन में मेंशन होनी चाहिए। राइट डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ कंप्लेन एंड गिव द रीजन फॉर कंप्लेनिंग क्लियर। जो भी चीज़ लेते हो, परचेस करते हो, उसकी जो डिटेल है वो डिस्क्रिप्शन में देनी चाहिए, कंप्लेन जिसके बारे में करने है वो, और क्यों कंप्लेन कर रहे हो तो उसका जो रीज़न है वो भी क्लियर होना चाहिए। एनक्लोज कॉपी ऑफ सपोर्टिव एविडेंस और डॉक्यूमेंट रिलेटेड ऑफ accusations, never give the original evidence। जो भी क्राइम किया है वो क्राइम से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट या एविडेंट है उसकी एक एनक्लोज कॉपी जो है अपने पास रखनी है, कभी भी ओरिजिनल एविडेंस जो है वो देने नहीं है। एनक्लोज बिल, रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, इफ द पेमेंट हैज बीन डन द चेक, देन अटैच काउंटर और गिव डिटेल ऑफ चेक। अगर उसका साथ में बिल है, रिसिप्ट पेमेंट है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो एनक्लोज करनी है, यानी अटैच करनी है। इसके अलावा जो पेमेंट है वो चेक के द्वारा किया गया है, तो जो जो काउंटर काउंटर हम लोगों को मिलता है, काउंटर रिसिप्ट जो मिलती है वो भी साथ में डिटेल में देनी है। Enclosed copy of condition mentioned by seller, copy of advertisement, pamphlet, prospectus, complaint may be lodged in any consumer forum by submitting appropriate fees as per amount of compensation claim। Seller के द्वारा जो भी conditions वाली copy जो दी जाती है, advertisement वाली जो copy है, pamphlet है, prospectus जो है, ये सारी चीज़ जो दी जाती है एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो वो भी अटैच करनी है। कंपेंसेशन क्लेम के लिए उसकी जो फीस होती है वो फी भी कंज्यूमर फोरम के अंदर सबमिट करनी होती है। कंज्यूमर में लॉज अ कंप्लेंट विद इन 2 ईयर्स ऑफ इमरजेंस ऑफ रीजंस ऑफ कंप्लेंट। एनी कंज्यूमर में कॉल ऑन गुजरात स्टेट हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1-800-233-0222 और नेशनल लेवल हेल्पलाइन नंबर 1-800-114-000 फॉर कंज्यूमर रिलेटेड कंप्लेंट। ये जो है स्टेट लेवल, गुजरात स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पे दो हेल्पलाइन नंबर दिए हैं कि जिसके अंदर कंज्यूमर जो है अपनी जो कंप्लेंट है वो दो विधि 2 ईयर्स के अंदर उसका जो इमर्ज है वो उसको मिलना चाहिए। एज वेल एज फॉर स्पेशल इंफॉर्मेशन अबाउट लॉ एंड गाइडेंस, लॉ और गाइडेंस के लिए स्पेशल इंफॉर्मेशन के लिए आप ये हेल्पलाइन नंबर के ऊपर फोन कर सकते हो। थैंक यू।